हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह मैं आपके साथ हूँ और फिर से अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए गाइज, मैंने वीडियो किया था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसा हम देखते हैं हमें वैसा ही दिखता है। कोई हमारे हमारी दृष्टि को नहीं चेंज कर सकता। और दृष्टि की बात जो मैंने की थी वो सिर्फ हमारी आंखें या हमारे सेंसेस की वजह से नहीं, बल्कि जो हमारे भीतर से हम किसी को जानते हैं वो रियल दृष्टि होती है। तो हमें एक ऐसा दृष्टा बनना चाहिए, मैं आपको बोलूँगी, हमको ऐसे दृष्टा बनना चाहिए कि जिससे हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें बल्कि चीज़ों को सॉल्व करें। जितने अच्छे दृष्टा हम बनेंगे उतना ज़्यादा हम सिंपल होते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम सरल होते जाएंगे। हमने जो कॉम्प्लिकेशंस फैलाई हुई है ना अपनी लाइफ में, वो अपनी वजह से हैं। हम किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते गाइस। आप चाहे कितना भी कह लीजिए उसकी वजह से हमारी सिचुएशन ऐसी होगी वैसे, बस वो आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से, मतलब आप उसका दोषी अपने आप को नहीं ठहराना चाहते इस वजह से बोल रहे हैं। अदरवाइज कोई भी चीज़ जिससे आप अफेक्ट नहीं होना चाहते तो आप अफेक्ट हो ही नहीं सकते। ये मेरा एक्सपेरिमेंट कहता है, ये मेरा खुद का सेल्फ रियलाइजेशन कहता है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं छोटी छोटी बातों से इतना अफेक्ट होती थी कि वो एक छोटी सी बात मेरे पूरा दिन बिगाड़ने के लिए काफ़ी होती थी। अभी इतनी सारी बातें आसपास से होती भी रहें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरे लिए वॉर्थ इट है ही नहीं, मुझे सोचने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो लेट इट गो ना, होने दो, जाने दो, लेट इट बी, ऐसा सोचना पड़ेगा। और उसमें आप बहुत लाइट फील करेंगे, क्योंकि अगर आपने चीज़ों को बढ़ाते गए तो जो तुम्हारे अंदर पहले से ही क्वेश्चन चल रहे हैं उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे, और जो तो क्वेश्चंस आएंगे तो वो और आपको परेशान कर देंगे। तो ये आएगा जब आप किसी हर चीज़ के प्रति सजगता लाएंगे, मतलब आपके आप में हर चीज़ को फील करने का वो हुनर आएगा, वो टैलेंट होगा। आप कुछ कर भी रहे हैं, आप चल भी रहे हैं, तो आप उसके प्रति सजग रहिए कि हम कितने स्टेप्स, कभी सोचा है आपने कि आप कितनी सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं? मैं एक वीडियो करूँगी इस पे भी, अलग से एक मैसेज देना चाहूँगी उसके ज़रिए। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कभी आपने नहीं सोचा होगा कि जो बचपन में करते थे हम, याद है आपको, अगर हम रेलवे उस पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो जो ट्रेन आती जाती थी हम उसके डब्बे गिना करते थे। ऐसा सबने किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली सबने किया होगा, मैंने भी किया है। बड़ा मज़ा आता था। हम जर्नी करने के लिए बैठते थे तो हर स्टेशन को हम नोट करते थे कि इसमें कितने स्टेशन, और इतना एंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल शॉर्ट टैम्पर्ड हो गए हैं और पेशेंस तो है ही नहीं, तो ऐसा लगता है बस बैठे और अभी मंजिल आ जाए, है ना। इसीलिए हमने पैसेंजर नॉर्मल जो ट्रेन्स होती थी पहले, उनसे अब हम फास्ट ट्रेन्स पे आ गए हैं। उसका सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि हमें मतलब जल्दी पहुंचना है, हमारे अंदर वो पेशेंस है ही नहीं। हम एंजॉय करने वाली वो सिचुएशन जो वो है ना, एक अंदर से भाव होता है वो है ही नहीं। बस हमें क्विक चाहिए सब कुछ, हमें कामयाबी जल्दी चाहिए, हमें अपना डेस्टिनेशन जल्दी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। इनफैक्ट हम कपड़े सिलाने के लिए देते हैं उसमें भी, भैया 2 दिन में ही कर देना, हमें पहुँच चाहिए। चाहे हमें कहीं जाना भी ना हो तो भी हमारी मानसिकता ऐसे ही बन गई, और हम उसकी भी टेंशन लेते हैं। गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स इसकी भी टेंशन लेती हैं, को क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या लगाना है, कौन सा लिपस्टिक का शेड, कौन सा आईलाइनर, इसके लिए भी आप बहुत टेंशन लेते हैं। ये तो जॉक्स अपार्ट, लेकिन हम एक्चुअल में इन छोटी छोटी चीज़ों पे ऑब्जर्व ही नहीं करते हम किस वजह से परेशान हो रहे हैं। एक्चुअल में हम जान लेना कि हमारे रियल जो परेशानी की वजह है, रूट क्या है, तो हम, मुझे लगता है कि हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम एक प्लांट को स्टडी करना हो तो उसकी रूट को जानना बहुत जरूरी है ना, ऐसे ही हमें जब खुद को जानना है, खुद की दृष्टि को अच्छा बनाना है, अपने दृष्टि मतलब जो अंदर से आपकी चीजों को ले, चीजों के प्रति आपकी सजगता है, चीजों के प्रति आपकी जागरूकता है, उसको बनाना है, तो चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, और वो ध्यान देने का मतलब ये नहीं टेंशन पकड़ के बैठे, अरे क्या करें, ऐसे नहीं। उसको देखिए कि वो टेंशन आई क्यों, मतलब वो किस वजह से है, समझ रहे हैं? उसको जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों, किस रीजन की वजह से हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या हो गया ऐसा हमारी लाइफ में। आपको आपको जरूर आंसर मिलेगा, यार इतनी बड़ी बात भी नहीं, हम क्यों बना रहे हैं,
किसी ने अगर हमारे साथ कुछ गलत बिहेव कर दिया, कुछ कर दिया, तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसको उससे अपने अंदर से ही कनेक्शन तोड़ दें या फिर उसे छोड़ दें कि चल हट, कोई मतलब ही नहीं है, या टेंशन लेके घूमते रहें। उससे भी बुरा है ये, तो आप किसी का कनेक्शन तोड़ दें वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो कनेक्शन टूटता नहीं है, वो बस यहाँ से मुँह से होता है, चल यहाँ से आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, और घर में आके रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये सब मैंने भी किया है, मैं ये नहीं डिनाई करूंगी कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने भी किया है, लेकिन अब मैं इससे ऊपर आ गई, मुझे इन चीज़ों को अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चीज़ के प्रति सजग हूँ गाइस। मैं एक बाइट भी खाती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मैं क्या स्वाद ले रही हूँ, कौन से स्पाइसेस हैं मेरे खाने में। मैं एक रोटी खाती हूँ, तो उस रोटी के मुझे पता है कितने पीसेस में वो मेरे अंदर गया है, वो पानी जो मैंने पिया है वो मेरे कितना अंदर तक मुझे अच्छा फील करा रहा है। तो मुझे टाइम ही नहीं है ऐसे आलतू फालतू चीज़ें सोचने का, मुझे क्या सोचना है, मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, मुझे किस किस टॉपिक पे बोलना चाहिए। ये सब पूरा दिन ऐसा जाता है ना, और मैं बहुत टाइम अब ऐसा हो गया है मेरे साथ तो, कि मैं चुप बैठने लगी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बस चुपचाप बैठ जाती हूँ। अपनी जैसे भी आपको जो भी, आप भी ट्राई करना कभी, ये एक विधि है, ये भी आपका ध्यान बन सकता है। आप अपनी जैसे भी कंफर्टेबल हो, पैर बांध के, पैर आगे करके, जैसे भी आप बैठना चाहते हो आप वैसे बैठ जाइए, और उसके बाद सिर्फ ध्यान दीजिए क्या चल रहा है आपके भीतर। विचार आए आने दीजिए, उनको रोकिए मत, आने दीजिए, घबराइए नहीं, बस देखते जाइए। मतलब आपको ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ाना है, ऑब्जर्वेशन अच्छा जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा सॉल्विंग पावर बढ़ेगी, उतने आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इनर ब्यूटी सामने आएगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर से क्लैरिटी आएगी, और उतने अच्छे टीचर भी आप अंदर से बन जाएंगे, और उतने अच्छे स्टूडेंट भी आप अंदर से बन जाएंगे। समझ रहे, दोनों भाव हैं हमारे अंदर, सिखाने के भी और सीखने के भी। डिपेंड हम पे करता है हम सीखते क्या हैं, डिपेंड हम पे करता है कि हम समझ के सिखाते क्या हैं। एक और वीडियो करेंगे इस पे, सीखने और सिखाने पे, टीचर और गुरु, जो टीचर और स्टूडेंट का है ये। देखिए अब मैं जब आपसे बात करती हूँ तो देखिए मेरे को क्यों ऐसी थॉट्स आते हैं कि मुझे ये भी बोलना चाहिए, मैंने पहले से नहीं सोचा है कि मुझे आपसे ये बातें करनी है, लेकिन ऐसे नेचुरली आता है ना। तो अच्छी जगह चीज़ों को फोकस्ड करें, ना कि ऐसे ही फालतू की चीज़ों में होते हैं। कोई मेरी वीडियो पे गलत कमेंट भी करता है तो आई डोंट केयर अबाउट इट, भाई करो, तुम्हारी सोच जितनी है तुम उतना ही कर पाओगे ना, मेरी सोच तो ऐसी है नहीं, है ना। तो जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतना ही ज़्यादा कहना चाहिए, उतना ही ज़्यादा अंदर से ज्ञानवान बन जाता है। सिर्फ डेजिग्नेशन, किसी अच्छी कुर्सी पे बैठ जाने वाला नॉलेज वाला बंदा हो जरूरी नहीं है, वो सेटिस्फाइड हो जरूरी नहीं, वो खुश हो जरूरी नहीं है। तो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, एक हैप्पी फील करना चाहते हैं दूसरों से भी, तो वाइब्स को क्लियर कीजिए, अपनी पॉजिटिव मिट्टी को बढ़ाइए, और वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आ सकती है, एक सही सजगता से आ सकती है, क्योंकि आप चीज़ों के प्रति सेंसिटिव रहेंगे, सजग रहेंगे, तो उसी से आपके अंदर का जो जागरण है वो बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं जागरूकता, है ना, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी आएगी, उतने ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसे सॉल्व कर पाएंगे। ये तो मेरा फंडा है, बाकी आप जो सोचें, आपको जैसा लगे आप वो करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।